मेरी जिंदगी में तीन ऐसे जोन है जिसे मुझे बहुत डर लगता है। पहला ब्लू जोन, दूसरा रेड जोन और तीसरा पायल जोन। आप लोग सोच रहे होंगे पायल जोन कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये YouTube की दादी माँ है। दादी माँ समझ रहे हो, जो सबको बताती है कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वीडियो तुम्हारा ऐसा है वैसा है, तुम अपना चैनल डिलीट कर दो। और वो भी ये छोटे मोटे यूट्यूबरों को नहीं बोलती, ये बड़े यूट्यूबर को बोलती है जिससे इनका वीडियो को व्यू आए। मुझे लगता है टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो इतनी छोटी छोटी वीडियोस में अपना इतना ज्यादा टैलेंट दिखाते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है आप बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। मुझे लगता है क्रिकेट इंसान बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, कैरी मिनाटी बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। तो मुझे जो टैलेंटेड नहीं लगते, जो मुझे क्रिंज लगते हैं, मैं उनको रोस्ट करती हूं। देख रहे हो ये दुनिया बची है किस तरह के लोग। अरे दादी मां, पहली बात झांट के बाल और सर के बाल आपस में मत मिलाओ। मतलब आपको टिकटॉकर टैलेंटेड लगते हैं 15 सेकंड की वीडियो में, और आशीष चंद्रानी, कैरी मिनाटी आपको टैलेंटेड नहीं लगते। मतलब भगवान ने मुंह दिया तो आप कुछ भी बोलोगी। मतलब आपकी बातें सुनकर मुझे एक शायरी याद आ गया। हफ्ते हफ्ते सुबह हो गई गांठ पे पड़ गए छाले, हफ्ते हफ्ते सुबह हो गई गांठ पे पड़ गए छाले, गांठ फट के गुफा हो गई वारे हगने वाले। एक रोस्टर दूसरे रोस्टर को ये बोलता है ना कि इसकी वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है, मेरे को इतना गुस्सा आता है। अपना चैनल तो देखो, तुम भी तो दूसरों को रोस्ट करके अपने व्यूज लेके आ रहे हो ना, तो तुम्हें जो क्रिंज। अरे हाँ हाँ दादी माँ, सब लोग व्यू के लिए ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन व्यू के लिए ना किसी को जीते जी मारते नहीं है। मैडम ये तो यही बात हो गई, जीते जी अमिताभ बच्चन को लोग मार देते हैं, आप उसी में से एक हो गया, व्यू के लिए किसी को मार देती है। और मैडम व्यू के लिए ना इतना तक से नहीं रुकती है, ये और भी कुछ करती है, देख लो। आजा भाई कैरी, तुझे रोस्टिंग सिखाए। इन्होंने दी मुझे धमकी, थोड़ी सी शर्म कर लो, पहले तुम कर लो मेरी माँ, अपना चैनल बंद करो, मेरी हेल्प करो, ये मुझे जेल भेज देंगे, मुझे बचा लो प्लीज। और आप सब जितने भी ये थंबनेल देखे हैं, वैसा वीडियो में कुछ नहीं होता है, ये मैडम केवल व्यू के लिए ये सब करती है। मैडम जितना आप ये थंबनेल में मेहनत करते हो ना, उतना अपने वीडियो में मेहनत कर लेती तो शायद कुछ अच्छे करता, कुछ रिस्पॉन्स आ जाता, और शायद इतने डिसलाइक नहीं आते आपके वीडियो पे। इससे पता लगता है आपको कितने लोग पसंद करते हैं। मैडम का एक रूल है, जितने भी ये वीडियो बनाएंगे वो बड़े यूट्यूबर के साथ बनाएंगे जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। हम जैसे छोटे मोटे को ये ऊपर वीडियो नहीं बना सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, उन्हीं पर बनाएंगे जो ज़्यादा फेमस हैं, कि उनके उनके जो फैन हैं उनको इनको कुछ बोलें चाहे उससे ये फेमस हो जाएं। ये सबको बोलती है कि अपना चैनल बंद कर दो, इनको कोई बोल दे चैनल बंद करने के लिए तो ये क्या बोलती है आप खुद देख लो। तो इन्होंने बोला है बंद करो चैनल अपना, मुझे लग रहा है कि ये मुझे बोल नहीं रहे हैं बल्कि मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, जैसे कि मैंने इनसे पूछ के अपना चैनल स्टार्ट किया था और अब मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं चैनल बंद करने के लिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब मैडम आपने किसी से पूछ के अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया है, तो आशीष चंचलानी आपसे पूछ के चैनल स्टार्ट किए थे, जानते भी हैं आपको वो कुछ भी यार। अब मैं मैडम की पूरी सच्चाई बताता हूँ। मैडम पहले लोगों को पढ़ाती थी ऑनलाइन, जिसे इनका कुछ काम नहीं बन पाया तो ये लोगों को टारगेट करने लगी, और वो भी बड़े यूट्यूबर को टारगेट करने लगी, और उसके उनके ऊपर 10 से 20 वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी आरोप लगा के, जिससे उनका मूड खराब हो और इनको कुछ ना कुछ अपने वीडियो में बोल दें जिससे ये फेमस हो जाए। बधाई हो मैडम, आप जो चाहती थी वो हो गया, ठगेस भैया ने आपको रोस्ट कर ही दिया, शायद आप इससे फेमस हो जाए। छोड़ो यार, जो लड़की टिकटॉकरों को टैलेंटेड बोल सकती है वो कुछ भी कर सकती है यार, वो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी किसी को भी बोल सकती है, इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, झूठ मूठ में टाइम अपना वेस्ट करने की क्या फायदा। तो चलिए भैया वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए बाय।